दोस्तों आप लोग का एक बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप लोग जो कौन से माइक से बनाते हैं वीडियो, कौन से फोन से बनाते हैं या फिर कैमरा से बनाते हैं, कौन से ऐप से एडिट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी भी यहीं पर है हम लोग, आज मंगलवार हो गया तो आज तो MIDC बंद है पूरा, मतलब लेबर और कोई है नहीं, माल तो तैयार होगा नहीं, आज ऐसे ही पड़े हुए, देखते हैं कल से कुछ मेरा उम्मीद है, कल से क्या है कि माल कितना तैयार होकर के कितना पैकिंग हो रहा है, मेरे गाड़ी में कितना आ रहा है, हम बोला था कल से परसों तक में कुछ न कुछ होगा ही। दोस्तों आप लोग का एक बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप लोग जो कौन से माइक से बनाते हैं वीडियो, कौन से फोन से बनाते हैं या फिर कैमरा से बनाते हैं, कौन से ऐप से एडिट करते हैं। तो ऐसे इससे पहले हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अभी जो नए व्यूवर्स हमारे जुड़े हैं तो वो लोग पूछते हैं, तो एक और बार हम बता देते हैं। तो अभी दोस्तों हम जो माइक यूज कर रहे हैं वो ये है, ये दोस्तों होलीलैंड का माइक है। इससे पहले ग्रेनारो का यूज करते थे, वो थोड़ा अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए अगर उनको चाहिए तो जो पहले हम माइक यूज करते थे ग्रेनारो का वो बहुत अच्छा था दोस्तों। तो वो दोस्तों इसी के बराबर आपको ऑडियो क्वालिटी दे देता है। तो ये थोड़ा अभी ले लिए थे कि उसमें आवाज थोड़ा फरफर करने लगा था, अभी आप लोग सुन ही सकते जो वीडियो में ऑडियो अभी आ रहा है, ये छोड़ के ये क्लिप में अभी कोई माइक यूज नहीं हो रहा है, तो उसमें आप सुन सकते हैं इसका ऑडियो कैसा आ रहा है। तो आप लोग भी अगर चाहे तो ये ले सकते हैं, आपको फ्लिपकार्ट में ये मिल जाता है, यही माइक है। इसमें भी दोस्तों वही सेम है कि दो आपको माइक मिल जाता है, एक रिसीवर मिल जाता है, रिसीवर यहाँ पे कैमरे में लगा हुआ है, और कभी कभी दोस्तों हम लोग कैमरा भी यूज़ करते हैं। ये अभी ज़्यादा यूज़ नहीं आ पा रहा है, अगर बाहर कभी कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करना होता है तब यूज़ करते हैं ये, नहीं तो ज़्यादातर टाइम फ़ोन से ही यूज़ करते हैं, फ़ोन ही ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसको डायरेक्ट निकालो और रिकॉर्डिंग कर दो। और दोस्तों आज सोच रहे कि पूरा ब्लॉग जो अपना है वो कैमरे से ही रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप लोग बताइएगा फ़ोन का वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर कैमरे का। ये भी कैमरा भी जल्द ही लिए थे, आप लोग देखे होंगे निकॉन का लिए थे। तो ठीक है दोस्तों आज इसी से ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, फ़ोन से या फिर कैमरा से। आज दोस्तों इसी से बनेगा और हमारा आज फुर्सत है क्योंकि फैक्ट्री में भी कोई है नहीं, हम लोग पड़े हुए ऐसे ही नहाना धोना भी जा रहे करने के लिए, और इसी से ही आज वीडियो बनाना है। और इससे आज बना रहे, इसमें एक दोस्तों क्या होता है कि इसमें तो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके बाद फ़ोन में भेजना पड़ता है डाटा पूरा, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता था, इसीलिए हम इसे अभी कम कर रहे थे, लेकिन इसमें भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। अब आप ही लोग बता पाइएगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज गया है, आज मंगलवार, ये MIDC एरिया सब बंद, तो बाहर तो ना चाय मिल रहा है ना कुछ नाश्ता मिल रहा है, तो गाड़ी में तो सब जुगाड़ था ही पोहा बनाने का, तो जा रहे हम लोग पोहा बनाने के लिए। बाहर में आज बंद है सब, MIDC जानते हैं मंगलवार को बंद रहता है मिलाज, तो चले बनाने के लिए पोहा और चाय भी बनाना पड़ेगा आज। दोस्तों हमारा पोहा बन के रेडी है, अब चले हम लोग नाश्ता करने। नाश्ता तो करके आज फुर्सत है तो थोड़ा देखते हैं, गाड़ी का सीट कवर वगैरह भी धोना है, सब कोई है नहीं कंपनी में, अकेले हम ही लोग हैं। ठीक है दोस्तों नाश्ता करते हैं, फिर नहाना धोना होगा, कुछ गाड़ी का भी काम वगैरह करते हैं आज। नाश्ता हो गया दोस्तों हमारा, कल तो हम लोग सीट कवर धोए नहीं थे तो आज जा रहे इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अपने पास अभी बहुत टाइम है, आज का भी दिन है कल का भी दिन है, अगर सूखने में भी टाइम लगा तो 2 दिन में सूख ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आज सब कुछ साफ़ करते हैं। अभी दोस्तों इसको इसी तरह छोड़ देंगे 1 घंटा, अभी भी देखिए कितना गंदा निकल रहा है, ये देखिए डस्ट। तो चलिए इसको अभी 1 घंटा ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे भी दोस्तों अभी 12 बज चुका है, तो चलिए सबसे पहले सब्जी वब्जी काटते क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, तो अभी ये 1 घंटा ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों आ चुके गाड़ी के पीछे ढाबा में, अब यहाँ पर अपना टेंट लग चुका है
और ये चावल चढ़ा दिए हैं। दोस्तों आज बनाएंगे आलू फूल गोभी का सब्ज़ी। ये देखिए फूल गोभी थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो पहले फूल गोभी बनाएंगे, आलू फूल गोभी और मटर अगर होगा तो मटर भी डाल देंगे। मेरा सारा दोस्तों काम हो गया है, सब्ज़ी कट गया है, इसको धो भी लिया अच्छे से, इधर प्याज मिर्चा सब कुछ, और चावल भी बना दिए हैं। अब बस पापा का काम है दोस्तों, पापा आएंगे सब्जी बना लेंगे, तो चलिए अब चलते हैं, उधर सीट कवर भी धोना बाकी है अभी। दोस्तों हम नहाने गए थे, नहा वहा आ गए हैं, और सागर तो सब चीज़ काट कर दिया रेडी अपना, आलू गोभी। ठीक है दोस्तों, हम चले खाना बनाने के लिए, बाकी अपना सीट कवर वगैरह भी धोना है, जब तक हम खाना बना तो सागर अपना घर काम निपट लेगा। दोस्तों नहाना हो गया हमारा, अब देखिए सारा कपड़ा यहाँ पे लगा दिए हैं, अब यहीं पे सूखेगा। इधर यहाँ के भी जितने वर्कर लोग हैं वो लोग भी, आज उनका छुट्टी था तो वो लोग भी नहाए हैं, तो जगह ही नहीं है कहीं कपड़ा लगाने का, इसलिए अपने पास रस्सी रहता है तो यहीं पर लगा दिए हैं। अब ये कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा, देखिए ये सब साफ़ करने में, मतलब ये दोस्तों 3-4 महीना के बाद ही धुलाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देखिए अभी साफ़ हो गया है, तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब चलते हैं खाने। दोस्तों दोपहर में 3 बज गया है और ये हमारा आज का खाना हो रहा है, और थोड़ा नहाने धोने में लेट हो गया, कपड़ा वगैरह फिर देखते हैं, सीट कवर सब भी ले जाकर पीछा गया सब, तो इसीलिए लेट हो गया है। और एक समस्या ये दिख रहा है कि आज हमारा इस कंपनी में पानी नहीं मिल रहा है, पानी बंद हो गया, नहाते धोते सब पानी बंद हो गया, क्या सिस्टम है पता नहीं, लेबर लोग बता रहे हैं, स्टाफ लोग हैं वो लोग बताएगा पानी कब आता है या कैसे हो गया, कभी देखे नहीं पहले हम कहीं बंद होते हुए, आज पहली बार देख रहे हैं पानी बंद है, और शाम में अगर पानी नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि खाने के लिए खाना ही बनाना है हम लोग को, पानी है नहीं फिर। ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं, इंतजार करते हैं शाम का। दोस्तों पानी तो ख़त्म हो गया है, तो ये बगल वाले, यहाँ से बगल वाले जो रूम है जहाँ पे और भी वर्कर लोग रहते हैं वहाँ पानी आ रहा था, तो वहीं से सब लोग पानी भर रहे हैं अभी, बर्तन भी वहीं धोइएगा। हम भी दोस्तों अपना दोनों बाल्टी भर लिए, पीने का पानी हो गया, ये अभी इधर डाल देंगे, और दोस्तों एक और बाल्टी अपने पास, ये भी हम लोग भर के रख लिए अंदर में, तो चलिए अब इसको डालते हैं। ये देखिए हमारा टेंट, इतने लोग दोस्तों यहाँ काम करते हैं, देख सकते हैं पानी का प्रॉब्लम होता है तो फिर उधर ही बगल से लाना पड़ेगा पानी। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग अभी मार्केट आए भैया लोग के साथ, जो जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं वहीं पे ये लोग काम करते हैं, वर्कर हैं, तो यहीं पे आए दोस्तों, मतलब यहाँ 3-4 दिन रुके, अब ये और 2 दिन रुकना है तो सब्ज़ी पूरा ख़त्म हो गया अपने पास, तो लेना होगा इसे, तो हम लोग को तो पता नहीं था जगह ना कहाँ मिलता है, तो इन्हीं लोग के साथ आ गए, पापा भी नहीं आए दोस्तों, पापा भी आराम कर रहे दोस्तों गाड़ी में, तो चलिए पहले सबसे पहले सब्ज़ी लेते हैं। कैसे तेरे मिर्चा? 30 रुपये का पाव डाल, एक पाव सब 30 रुपये। अच्छा सारा सब्जी ले लिए दोस्तों, ये नहरेज का कुपवाड़ मार्केट है, तो यहीं से लिए सारा सामान, मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा, देखिए भरा भरा पूरा भीड़ है काफ़ी, जितना मतलब अपने लिए अब हो गया सामान, अब 3-4 दिन अपना चल जाएगा अच्छे से। सारा सामान ले लिए दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं, मतलब आज फर्स्ट टाइम हम मीटर वाले टेम्पो में बैठे हैं, और इधर पीछे भी पैसेंजर बैठते हैं, यहाँ पे दोस्तों पीछे भी पैसेंजर बैठते हैं, पीछे बैठने के लिए छोटा सा सीट दिया हुआ है। अब निकल चुके हैं दोस्तों हम लोग, दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और गाड़ी में आ गए सारा सामान लेकर। लीजिए मिल गया सामान। हाँ कितना मिला है, कितना मिला है सर? वो सब मत पूछिए, इतना भीड़ में लेके आने में हम भूल जाते हैं। ये सब मसाला बहुत ज्यादा, अब कितना का मसाला है ये? 50 का है और ये 40 का है। चलो ठीक है, बस यही दोनों याद है और कुछ नहीं याद है बस। चलो ठीक है, मटर भी मिल गया ना। हाँ दोस्तों, अभी रात के 8 बज चुका है और हम लोग आए हुए एक जगह घूमने के लिए, ये हमारे साथ छोटे भाई साहब है, तो इनको वो एक बताए थे कि चलेंगे वहाँ पर अच्छी जगह है, तो आप लोग भी जान ही रहे कि वहाँ खड़े खड़े थोड़ा बोर हो रहे थे, तो आए इनके साथ में। ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम आकाश है।
अच्छा। और अभी इस जगह का नाम है वाड़ी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ में, लेकिन उसका असली नाम नरसिंह वाड़ी बोलते हैं। नरसिंह वाड़ी, हाँ, ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये दत्त भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे देश भर से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो अभी आप राजेश भाई तो आप खड़े थे, सोचो लेके आएंगे उनको साथ में। सही बात, हमको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। हमको यहाँ आकर के ना ये जो देख रहे ना, ये जो ये नदी है, कि नदी कोई नाम है कि मतलब ऐसे ही? इसको कृष्णा नदी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके आगे थोड़ा सा जाओगे तो आप उसको पंचगंगा नदी करके बोलते हैं, वो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में बहता है। अच्छा। और यहीं से 1-2 किलोमीटर आगे उनका और एक स्पॉट है, वहाँ पे दोनों नदियों का मिलन होता है। अच्छा। उसको संगम बोलते हैं नदी का। तो वहाँ पे पंचगंगा नदी और कृष्णा नदी दोनों मिल के बहता है यहाँ पे। बहुत तो अच्छा लगा देख रहे हैं ये सब। लगता है रहने के लिए रेस्ट रूम है क्या? हाँ, ये रहने के लिए यहाँ पे पूरा, खाने के लिए हो गया। अच्छा। यहाँ पे पूरे दिन के लिए या फिर 24 घंटे यहाँ पे खाने के लिए मिल जाता है आपको, कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं रहता। दोस्तों अभी रात के 9 बज गया और हम लोग आए खाना खाने के लिए। उतना घूमने के बाद थोड़ा थक गए हैं तो आए हम सांगली में ही है, सांगली में ही पड़ता है मिरज में ही पड़ता है। तो आए हम लोग कुछ थोड़ा खाना खाने के लिए, खाना खा के फिर से चलेंगे। ठीक दोस्तों, ये हमारा खाना लग रहा है अभी। दोस्तों खाना वाना हो गया हम लोग का, इसी होटल पर खाना खाए थे और रात का 10 भी बज चुका है। तो हम लोग अब चलने की तैयारी में है, जाते हैं गाड़ी के पास, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है लोडिंग का कल का। कल तो वो खुल जाएगा, वो देखते हैं कितना माल तैयार होगा क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।